अभी फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ अयोध्या में. फिल्म का नाम है डार्लिंग और इस फिल्म में राहुल हैं एक्टर जो मेरे ऑपोजिट हैं. फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी और फिल्म के निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी. और ये हमारी पहली पहली फिल्म है. बतौर डायरेक्टर सर पहली बार मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं और मैं उनके साथ पहली बार कर रही हूँ. पहली बार मौका मिला हमें साथ में काम करने का. बट इस फिल्म का करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है प्रदीप कुमार शर्मा जी. ये सर बहुत ही बेहतरीन हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन बीइंग. इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रही हूँ और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करने का. तो आई थिंक ये फिल्म करने का मोटिव या रीज़न सिर्फ सर है और उसके अलावा रजनीश सर है, क्योंकि हमें पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था. एंड बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रहे हैं. रजनीश सर हैं तो ऑब्वियसली उनके टेक्निक्स बहुत अलग हैं. बहुत सारे शॉट्स बहुत प्यारे खूबसूरत उनके और भी कई फिल्मों में देखे गए हैं और बहुत ही सजा सजा के वो शॉट लेते हैं. ये अलग है. और उसके अलावा पूरी यूनिट बहुत ही खुशहाल तरीके से काम कर रही है एक दूसरे के साथ मिलके. राहुल बहुत कुछ सीखने की चाह रखे हैं, जो हर शॉट से पहले नो डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से इस शॉट को और बेहतर बना सकते हैं. तो करीबन बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके. अभी फ़िलहाल मैं शूट कर रही हूँ अयोध्या में. फिल्म का नाम है डार्लिंग और इस फिल्म में राहुल हैं एक्टर जो मेरे ऑपोजिट हैं. फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी और फिल्म के निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी. और ये हमारी पहली पहली फिल्म है. बतौर डायरेक्टर सर पहली बार मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं और मैं उनके साथ पहली बार कर रही हूँ. पहली बार मौका मिला हमें साथ में काम करने का. बट इस फिल्म का करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है प्रदीप कुमार शर्मा जी. ये सर बहुत ही बेहतरीन हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन बीइंग. इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रही हूँ और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करने का. तो आई थिंक ये फिल्म करने का मोटिव या रीज़न सिर्फ सर है और उसके अलावा रजनीश सर है, क्योंकि हमें पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था. एंड बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रहे हैं. रजनीश सर हैं तो ऑब्वियसली उनके टेक्निक्स बहुत अलग हैं. बहुत सारे शॉट्स बहुत प्यारे खूबसूरत उनके और भी कई फिल्मों में देखे गए हैं और बहुत ही सजा सजा के वो शॉट लेते हैं. ये अलग है. और उसके अलावा पूरी यूनिट बहुत ही खुशहाल तरीके से काम कर रही है एक दूसरे के साथ मिलके. राहुल बहुत कुछ सीखने की चाह रखे हैं, जो हर शॉट से पहले नो डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से इस शॉट को और बेहतर बना सकते हैं. तो करीबन बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके.